दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के टीचर पिछले 8 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं, एक तरह का असहयोग आंदोलन आप कह सकते हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनको कंपलसरी किया गया है कि 7:30 बजे 8 बजे तक वो ऑनलाइन अटेंडेंस जरूर कर दें। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। मैं बता दूं कि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 7 लाख प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, कई जिलों में बाढ़ आई हुई है और टीचर्स इस तरह के ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ आंदोलन किए हुए हैं। इसी बीच एक वेबसाइट है दैनिक भास्कर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता है यूपी में, उसने एक दिन खबर चला दी कि सरकार ने टीचरों की बात मान ली और ऑनलाइन अटेंडेंस फिलहाल बंद कर दिया है। लेकिन टीचरों का कहना है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी बीच कई तमाम मीडिया चैनल्स में, अखबारों में खबर आई कि जिन लोगों ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं की उनकी 3 दिन की सैलरी काटी जाएगी या 4 दिन की काटी जाएगी। तो हमारे साथ जो है एक शिक्षक नेता जुड़े हुए हैं फैजाबाद से, जिनका जो शिक्षकों का पक्ष रखेंगे, साथ ही पत्रकार अनिल यादव जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर बड़े खुलकर अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो खबर चली थी कि शिक्षकों की बात मान ली उत्तर प्रदेश सरकार ने और डिजिटल अटेंडेंस फिलहाल अभी नहीं लागू होगी, और अखिलेश यादव ने भी इस पे ट्वीट कर दिया, और आज आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश आया ही नहीं है। बिल्कुल, सभी को प्रणाम। आपने अभी एक बात कही थी कि 8 तारीख को, जब 8 जुलाई को अटेंडेंस लागू हुई, तो उसी के बाद दैनिक भास्कर ने खबर निकाली और एक पट्टी चला दी मात्र उससे, और स्थगन आदेश के लिए पट्टी चलाई, और उसको देखते ही तमाम बवाल मच गया और हर न्यूज चैनल पे आ गया कि यह स्थगित हो गया, जबकि हालांकि कोई पत्र नहीं आया था। और आज भी यही स्थिति हमें लग रही है, हमारे तरफ से अभी तक कोई पत्र नहीं आया है, सरकार की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से कोई पत्र नहीं आया कि स्थगित हुआ है या पूरे दिन अटेंडेंस की जो बात आ रही है, कहीं कोई बात नहीं है। शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है लगातार। शिक्षक 6,09,455 शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर आए, उनका जो मुद्दा है, उनकी जो मांग है, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो जायज मांगे हैं उनकी, उनका कहना यह है कि हमें विद्यालय पहुंचने में दिक्कत होती है तो हमें 15 हाफ CL दिया जाए, और अगर कहीं कोई हमें कैजुअलिटी आ जाती है, शादी ब्याह का कैसा कोई कार्यक्रम पड़ता है, कहीं भी हमें इमरजेंसी में जाना पड़ता है 5 दिन 10 दिन के लिए, उसके लिए हमें EL का प्राविधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षकों ने, जो आप बता रहे कि 8 जुलाई को शुरू हुआ था ये ऑनलाइन अटेंडेंस, सिर्फ 2% अध्यापकों ने, केवल 2% अध्यापकों ने अटेंडेंस दिया था, लेकिन आज की स्थिति में बात की जाए 12 जुलाई शाम तक का जो डेटा आया है MIS की तरफ से, केवल 0.61% शिक्षकों ने, कितने 0.61, यानी कि 99.39% शिक्षकों ने इसको नकार दिया इस योजना को। अभी आप देखते हैं, कोई एग्जाम देते हैं आप, तो उसमें अगर 30 या 33% रिजल्ट आए आपका, तो आपको फेल मान लिया जाता है, आपको प्रमोट नहीं किया जाता है, उस आपको उसके लिए लायक नहीं माना जाता है। यहाँ तो 99.39% लोगों ने इसको नकारा है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। 6,09,455 शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी दिक्कत क्या है, उनकी समस्या क्या है। उनका सिर्फ कहना यह है कि दो प्रकार की हमें दिक्कत है, जो प्रमुख रूप से दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, लंबी जो मांगे हैं बहुत सारी हैं, लेकिन दो प्रकार की दिक्कत है। उनका कहना यह है कि बारिश का समय है, अगर हम विद्यालय की तरफ रवाना होते हैं, चूंकि गाँव में, दुर्गम क्षेत्रों में सुदूर विद्यालय है, तो वहां पहुंचते हैं तो सड़क खड़ंजे वाले रास्ते हैं, अगर हम विद्यालय पहुंचने का प्रयास करते हैं 8 बजे का विद्यालय, तो 6:15 बजे 6:30 बजे आलोक जी हम निकलते हैं, और पहुंचते पहुंचते में अगर कहीं रास्ते में कहीं पेड़ गिर गया, या जो खड़ंजा वाला रास्ता है, बाराबंकी का एक वीडियो आया था, नाला कट गया था और 4-व्हीलर खड़ी थी अध्यापक की, वो स्थिति में क्या करेगा। तो इसलिए इनका कहना है कि अगर हमारे पास हाफ CL रहती है तो हम अपना हाफ CL ले लेते हैं, और विद्यालय जाने में कहीं कोई दिक्कत आती तो हम ईमानदार अध्यापक के रूप में रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हम विद्यालय पहुंच गए, विद्यालय पहुंचने के बाद अगर घर से बिटिया का फोन आ जाए कि पिताजी हमारी तबीयत खराब है, हम विद्यालय पहुंच के अटेंडेंस लगा चुके हैं और बिटिया फोन कर रही है कि हमें इमरजेंसी है या कहीं और किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सूरज भी 365 दिन एक जैसा नहीं होता, उसके ऊपर काली छटाएं आती हैं, ग्रहण लगता है, दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो उनका, अध्यापकों का कहना यह है, हम लोग का कहना यह है कि अगर विद्यालय पहुंच गए और हाफ अटेंडेंस आपा, हमने ऑनलाइन अटेंडेंस लगा दिया, तो हम विद्यालय से नहीं जा सकते। तो हमारा कहना है कि अगर हाफ CL दे दिया जाए तो हमारा काम आसान होगा, क्योंकि अगर हम बिना हाफ CL के विद्यालय से निकल लिए और हमारे महोदय किसी अधिकारी ने विद्यालय चेक कर लिया, तो समाज में तो एक भ्रांति फैली भी है, अधिकारी भी ये बार बार कहता है अध्यापक पढ़ा नहीं रहा, तो उस स्थिति में हमारे लिए हाफ CL बहुत जरूरी है। तीसरा हाफ CL इसलिए जरूरी है क्योंकि हम घर से निकलते हैं,
6 बजे 6:15 बजे निकलेंगे और रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए, क्योंकि हम मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, हम सुदूर गांव में जाते हैं जहां पे तमाम सारी दिक्कतें हैं। अगर वहां गाड़ी पंचर हो जाए 6:15 बजे 6:30 बजे तो हम विद्यालय पहुंचने में असमर्थ है, क्योंकि 6:15 बजे तो कोई पंचर वाला खोलेगा नहीं। वो खोलेगा कब? वो 8 बजे खोलेगा, 8:30 बजे खोल सकता है, 9 बजे खोल सकता है। तो उस स्थिति में हमारा ये कहना है सर कि हमारे पास अगर HCL है तो हम उसको ले लेंगे और जेन्युइन बात है कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ना तो कोई राजकोषीय घाटा आ रहा है ना ही कोई बोझ बढ़ रहा है सरकार के ऊपर। सिर्फ 15 HCL दे दे, महीने में 3 लेने की अनुमति कर दे या 2 लेने की अनुमति कर दे तो कहीं ना कहीं जो हमारी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास EL नहीं है। जैसे अगर हम विद्यालय पहुंच गए, सेवा जारी रख रहे हैं, जीवन में सुख दुख आता रहता है, कहीं किसी की तबीयत खराब हो गई, कहीं किसी की शादी ब्याह हो गया। अगर हम लोग के हित मित्रों का शादी ब्याह होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अध्यापक की ही शादी पड़ गई सर तो उसको मेडिकल लेकर शादी करना पड़ता है, वो भी मेडिकल जो बनता तो लीगल है, लेकिन काम तो हम अध्यापक हैं और दूल्हा बने तो इलीगल हो गया, क्योंकि हम मेडिकली फिट हैं। हमारी दिक्कत यह है कि जो हमारी गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, बेवजह और तमाम छुट्टी दी जाती है, उसको अगर खत्म कर दिया जाए या दिया जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें EL दिया जाए उसके बदले में, तो हमारा जो दूल्हा बनने का काम है काम हो सकता है। ये तो ठीक है, हम सनातन धर्म से तीनों लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे संस्कार भी 13 दिन का होता है अंतिम वाला। उस स्थिति में सोचिए कितना गंभीर विषय है, अगर बाई दबे किसी शिक्षक के परिवार में कुछ हो गया तो वो 13 दिन के लिए उसको संस्कार के साथ छुट्टी लेनी पड़ती है, वो भी मेडिकल लेके लेना पड़ता है। अब आप CL चूंकि 14 ही हमें मिलती है, आने वाले समय में तमाम प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, उस स्थिति में 14 CL से 13वीं कैसे कर पाएगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि हमें 30 CL 31 CL दे दिया जाए, सरकार हमारी मांग माने, इसमें कहीं कोई इब्बत का बात नहीं। अगर हमारी बात मान लेती है तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार है, कहीं कोई विरोध नहीं है, इस योजना का विरोध नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया सर, बिना किसी से जाने पूछे 22 जिले पूर्वोत्तर के आपके राज्यों के, इस जिले 22 जिले प्रभावित है, सोचिए बाढ़ का समय है, ऐसे में क्या आपाधापी थी। 15 जुलाई को लागू करना था इनको अटेंडेंस, ये 8 जुलाई को पता नहीं क्यों किसके कृपा से हो गया, ये बिना किसी को टू डू लिस्ट चेक किए, बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट को लगाए, इन्होंने गांव क्षेत्रों में सुदूर गांव में इन्होंने लगा दिया और दिक्कतें आ रही हैं। 15 जुलाई से पहले 22 जिले जो है बाढ़ प्रभावित है, वो अध्यापक पहुंचता भी है, 4 फीट 5 फीट तक पानी भरा है विद्यालयों में, पहुंच तो जाता है, आपके पास तमाम वीडियो आएगी, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, ऐसे जिले हैं, वीडियो आया, वो पहुंच भी जाए तो जो टेबलेट दिया है सर इन्होंने, क्योंकि गोल 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 घूमता है, अगर भाई तबियत खुल भी गया, बस एक मिनट हमारी बात है, एक मिनट रुक जाओ, अनिल भाई को मैंने जोड़ा है रिक्वेस्ट करके। अनिल भाई, ये आपने इनकी बात सुनी, लेकिन ये जो मेरी चीज समझ नहीं रही, हमने और आपने दोनों लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में मीडिया में बहुत काम किया है, हम ये नहीं कह सकते थे जो हमारी नौकरी का वो था कि हमको अगर 8 बजे पहुंचना है, 7 बजे पहुंचना, तो हम कहेंगे नहीं 8 बजे में आधे घंटे का ग्रेस टाइम दे दो। अगर जो ये बात कह रहे हैं ये लोग, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अटेंडेंस इनको क्या परेशानी है, ये लोग शिक्षक हैं, इनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, ये लोग इस आदेश का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। अनिल भाई, जरा आपने चूंकि इस मामले में बहुत कुछ खुल के लिखा है, शिक्षकों का पक्ष भी लिखा है और आम जनता का भी पक्ष लिखा है, तो आपकी नजर में क्या हो रहा है ये? देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि धरती पे सबसे सुखमय प्राणी अगर कोई है तो ये माननीय प्राइमरी के शिक्षक लोग हैं। हालांकि सुख के बाद भी इन लोगों की तमाम समस्याएं भी हैं, नो डाउट। उत्तर प्रदेश समेत देश का अगर किसी भी सभी राज्यों में कमोवेश एक ही लगभग हाल है, प्राइमरी शिक्षा अगर बदहाल है तो उसके लिए जितनी सरकार दोषी है उसके बराबर के दोषी हमारे माननीय शिक्षक भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल है, फर्नीचर का पता नहीं, समय से कॉपी किताबें बच्चों को नहीं मिल पाती, ड्रेस नहीं मिल पाती हैं, बहुत हजारों स्कूलों में बिजली नहीं है और पर्याप्त शिक्षक नहीं है, स्टाफ की कमी है, एक ही क्लास में एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे खिचड़ी पका रहे, एक ही साथ पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये जो बेसिक एजुकेशन पूरी तरह से बदहाल है। लेकिन इससे इसमें मास्टर लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या आपने सुना है कि सिटी मॉन्टेसरी, जयपुरिया, या इसमें पढ़ाने वाले टीचर बाराबंकी से लखनऊ आते हैं पढ़ाने, सीतापुर से, कानपुर से लखनऊ पढ़ाने आते हैं, सब यही कमरा लेके रह रहे पढ़ा रहे हैं, तो ये मास्टर साहब लोग लखनऊ से गोंडा पढ़ाने क्यों जाते हैं, लखनऊ से बाराबंकी पढ़ाने क्यों जाते हैं, नोएडा से हापुड़ पढ़ाने क्यों जाते हैं, गाजियाबाद से हाथरस पढ़ाने क्यों जाते हैं, उसी शहर में, उसी जिले में, उसी गांव के अगल बगल के कस्बे में कैमरा किराया लेके क्यों नहीं रहते हैं? क्या इन्हें नहीं पता है कि जब ज्वाइनिंग से पहले ये नौकरी जब ज्वाइन करने वाले होते हैं या फॉर्म भरते हैं, इन्हें पता नहीं होता है कि हमें दूर दराज के स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, उन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा जिनके पेरेंट्स
को शायद शिक्षा का महत्व भी नहीं पता, उनमें से बहुत से बच्चे डेली स्कूल आएंगे भी नहीं, तो चुनौतियां तो पहले से पता है, लेकिन इन्हें पता है कि मौज की नौकरी है गुरु, एक बार मिल जाएगी तो मौजा ही मौजा है, और 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, 11 बजे लौट आओ, मूंगफली छिलो, आग तापो, पेड़ के नीचे बैठ के पुरवैया की हवा लो और चले आओ, काम ढेले भर का नहीं है और तनख्वाह तो मिलेगी माशाल्लाह टाइप की, कि 40-50 हज़ार से शुरुआत होगी, 1 लाख तक भी पहुंच सकते हो। मेरे गांव में खुद भी 4, 5, 6, 7, 8 मास्टर जितने भी हैं वो सुबह उठते हैं, अपना गाय भैंस लगाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, 8-9 बजे जब मन किया स्कूल पहुंच लिए, शिक्षा मित्रों के हवाले कर दिए कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, गांव में फिर पहुंच गए, कौन गोल रहे हैं, खेती निरा रहे हैं, बाजार में गए, चाय समोसा लिया, गप मारा, लौटे हैं, सोए दोपहरिया में, शाम को फिर बाजार पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी शिक्षक ऐसे करते हैं, अभिनव सिंह साहब जैसे अच्छे शिक्षक हैं जो अपने स्कूल की बेहतरी के लिए काम भी करते हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बहुत से शिक्षकों ने अपने स्कूल को चमकाया भी है, लेकिन परसेंटेज की अगर बात करोगे तो बहुत से ज्यादा परसेंटेज, आप ही बताइए, खाली प्राइमरी के नहीं, कम हुए सारे सरकारी टीचरों का क्या हाल हो गया। लखनऊ में मैं लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज का पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल रहा है, जब जिस दौर में मैंने वहां पढ़ा था तब एंट्रेंस एग्जाम होता था, बड़े बड़े तुर्रम खां वहां एंट्रेंस नहीं दे पाते थे और एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाते थे, तब वो रुतबा था सिटी लखनऊ मॉन्टेसरी का, इंटर कॉलेज था, दुर्गा भाभी उसकी पहली प्रिंसिपल थी, वो फाउंडर भी थी। लेकिन आज ये हाल है कि लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल तबाह हो गया है, बिल्कुल बर्बाद हो गया है, और वहां पर समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग, जो सबसे गरीब हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जो प्राइवेट फीस भर सकते हैं वो इन सरकारी स्कूलों में जाना ही नहीं चाहते हैं, तो इसका भी तो सोल्यूशन बता दें। अभिनव सिंह बताएं, उनके साथी लोग गोंडा में नौकरी करते हैं तो फैजाबाद लखनऊ से क्यों जाना चाहते हैं, फैजाबाद में रहेंगे और नौकरी करेंगे गोंडा में, फैजाबाद में रहेंगे तो नौकरी करेंगे अंबेडकर नगर में, तो भैया आप अंबेडकर नगर में क्यों नहीं रह लेते, अंबेडकर नगर में ही आप रहिए, गोंडा में ही रहिए, कहा क्या कहते 100-200 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं। देखिए भाई अभिनव जी, जो अनिल जी ने सवाल उठाए मैं उससे सहमत हूँ, मेरे कई मित्रों की पत्नियां नौकरी कर रही हैं और वो अगल बगल के जिलों में पोस्टेड है, कोई बाराबंकी में पोस्टेड है, कोई फैजाबाद में पोस्टेड है और कोई रायबरेली पोस्टेड है, ये लोग बकायदा यहाँ से 4-5 टीचर एक टैक्सी करती है और टैक्सी से रोज ये लोग, कोई बछड़ावा जा रहा है, कोई बाराबंकी जा रहा है, कोई फैजाबाद जा रहा है, क्योंकि हम और अनिल जी मीडियम है तो ये लोग बल्कि जुगाड़ भी ढूंढते हैं कि भाई साहब अगर आपके परिचित कोई IAS हो तो हमारा लखनऊ में ही समायोजन करा दीजिए। तो ये जो बात है, पहली बात है कि आपको अटेंडेंस से क्या परहेज है, अगर ये ड्राइवर ये कह दे रेलवे का कि हम भैया 7 बजे की ट्रेन पकड़ना हमको स्टार्ट करनी, हम नहीं आ पाएंगे तो भैया ट्रेन तो कभी ट्राई टाइम चलेगी ही नहीं, यही बात अगर पुलिस वाला कह दे, यही बात अस्पताल वाला कह दे तो बवाल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग एक तो मुझे लगता है कि चूंकि अब एक संख्या पर बहुत बड़ी बात हो गई लोकतंत्र में, 7 लाख का आप लोग का नंबर है, 6,94,000 का, तो उसमें क्या परेशानी है कि डिजिटली ये प्रूफ हो जाए, शायद सरकार ये पारदर्शिता की लेकर रही है कि कौन सा टीचर कितने बजे पहुंच रहा है, इसमें क्या परेशानी है कि आप साथ मान लीजिए महीने में 2-4 दिन अगर लेट जाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, तो इसमें ऐतराज क्यों है, इसमें ऐतराज मुझे बताइए क्यों है। अनिल जी ने जो सवाल उठाया है, और मैं आप अन्यथा मत लीजिएगा, एक बात मैं और जोड़ूंगा, नहीं एकदम एकदम नहीं, लड़कों को जानता हूँ जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है और वो बेचारे नर्सरी में और प्राइमरी में प्राइवेट में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार पढ़ा रहे हैं, और अपने जो मैनेजर है जिसका नौकरी करते हैं उसका सारा शोषण बर्दाश्त करते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा हो गया है। लेकिन टाइम मतलब आप ये कहते कि साहब हम जेन्युइन बात रखते, आप लोग आंदोलन को उतर गए एकदम, पता चला कि भैया वो उत्तर प्रदेश सरकार वैसे ही बैकफुट में, लोकसभा में पूरी तरह से हारी हुई है। अब अभिनव जी का ले लीजिए, अब उत्तर ले लीजिए जी, पहले बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, और अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बेसिक शिक्षक सबसे खुश है, हम इनको बेसिक शिक्षकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने खुशी तो माना, आज इतना बवाल मचाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्राइवेट विद्यालयों में शोषण है, आपने खुद माना, आप ये मानते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई, कहीं ना कहीं आए और वो एक मॉल की तरह आते हैं भाई साहब, 6 महीने पढ़ाएंगे और उसके बाद अध्यापक गायब हो जाएगा, उसका शोषण होता है, उसको दबाया जाता है, वो बेचारा अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी करता है। दूसरा आपने कहा कि माननीय है शिक्षक, अनिल जी ने कहा माननीय तो था, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को IAS बनाया, उसका अध्यापक का नाम गुरु का नाम पढ़ते ही लोग एक सम्मान की भावना से लगते थे, लेकिन आज जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आपने कहा माननीय नहीं रह गया है,
उसको लेखपाल चक्करता, भाई साहब अगर डीएम साहब ने चेकिंग लगा दी विद्यालयों की तो उसको लेखपाल चक्करता किस कितना मानदेय उसका ग्रेड पे है, 4200 हमारा, 4400 4600 ग्रेड पे, 2800 वाला चक्करता, कभी आपने बात उठाई कि लोअर ग्रेड पे वाला कैसे चक्कर रहा है, सेक्रेटरी चक्करता है हम लोग को, सफाई कर्मी तक चेक करने आते हैं, और आपने बताया ना सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तमाम और प्राइवेट स्कूलों में चमक रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हाई कोर्ट ने कहा था कि जो प्राइवेट में पढ़ाने जाते हैं उनसे पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं किया था, हाई कोर्ट ने कहा तीन बार ने कहा था, तीन हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद इसके अलावा कोई काम नहीं लिया जाए, ये देख लीजिए हमारे पास प्रूफ भी हम लेके आए, पढ़ाई के अलावा देखिए शिक्षकों से कोई कार्य न लिया जाए, ये हाई कोर्ट का आदेश है, याचिका पर अफसरों को आदेश दिया था शिक्षकों से गैर शिक्षणिक शैक्षणिक कार्य न लिया जाए, प्राइमरी शिक्षकों पर बीएलओ बनाए जाने पर रोक है, 33% कोर्ट के आदेश पर 33% शिक्षक बीएलओ बनाए गए, देख लीजिए पढ़ाई के अलावा 27 और काम कराए जाते हैं हमसे, जो दिक्कत है, और जो मॉन्टेसरी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनके गार्जियन को सुनता है, उनका बिल मेंटेन रहता है, जानते क्या होता है यहाँ पर हम लोग अब बच्चों को भी गांव जाना पड़ता है, जैसे हमारा विद्यालय अगर दो दिन एक दिन कोई बच्चा नहीं आता है तो हमें वहां पहुंचना पड़ता है, और हम उसको पहुंचते हैं उसकी समस्या जानते हैं उसको लेकर आते हैं, तो ये बहुत तरह की समस्याएं हैं, 1,00,000 की शिक्षक योग्यता रखता है, बिल्कुल रखता है, हम गर्व से कहते हैं रखता है, हमने योग्यता कमाई है तो हमने रखता है, हमें वेतन मिलता है उसमें कहीं कहीं किसी का एहसान नहीं है, हम शिक्षक हैं, हमने योग्यता पूरी की है भाई साहब, तो उस कई सारे एग्जाम दिए, कई सारी व्यवस्थाएं बनाई, अब डीएम साहब को कह दीजिए कि डीएम साहब से बहुत अच्छे अच्छे आईआईटीएंस हैं, तो डीएम साहब का पद हटा के आईआईटीएंस को दे दिया जाए, डीएम साहब की जो सैलरी है उससे कम सैलरी पे हम गारंटी करते हैं, आप भी मानेंगे ये बात, डीएम साहब से कम सैलरी पे आएगा कोई बंदा उनसे बेहतर काम करेगा, क्या आप नहीं मानते, तो क्या आप ऐसे सारे पद समाप्त करके उनको दे देंगे, क्या बात करते हैं आप, शिक्षा मित्र की योग्यता पर सवाल उठाते हैं, 11 CL मिलता है उनको, उस 11 CL में और 10,000 की नौकरी में कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है, वो कैसे अपना जीवन यापन करते, कभी शिक्षा मित्रों से आपने जानने की कोशिश की है, कई शिक्षा मित्र फांसी लगाकर मर गए, कभी दर्द समझा उनका, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट से कंपेरिजन करें, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत है, और जो आपने कहा कि 100 किलोमीटर लखनऊ, भाई साहब एक मिनट लास्ट बात, जो आपने कहा कि लखनऊ से गोंडा आते हैं या कहीं से आते हैं, हम अयोध्या से हैं और अयोध्या ही जाते हैं, तो क्या 10 किलोमीटर में हमारी गाड़ी पंचर नहीं होगी, क्या 10 किलोमीटर आप लखनऊ से आइए गोंडा हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे आइए, कहीं आपको पेड़ नहीं मिलेगा, पेड़ कहाँ मिलेगा, जहां आपका विद्यालय, क्योंकि वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खलंजे पे है भाई साहब, वहां सड़कें नहीं है, वहां पगडंडी का रास्ता है, वहां जाने में दिक्कत है, गाड़ी खड़ी करते हैं हम अध्यापक, उसके बाद वहां पर 500 मीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, कितनी दिक्कत की बात है, दिक्कत वही ये है। ये तो एक अभिनव जी, ये तो कभी कभी की बात होगी, सवाल ये है कि हमारा प्रश्न कभी कभी के लिए है, हमारा प्रश्न कभी कभी के लिए है, लखनऊ से सैकड़ों की संख्या में यहाँ सुबह टैक्सियां जाती हैं जो टीचरों को सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव लेके जाती हैं भर भर के, तो ये टीचर उन जिलों में क्यों नहीं रहते हैं, लखनऊ से अगर सीतापुर कितनी दूर है, 50 किलोमीटर लखनऊ से रायबरेली का जो पहला ब्लॉक है कितनी दूर है, अगर जाते हैं वो समय से पहुंचते हैं, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, एएसपी साहब हैं, बीएसएस साहब हैं, एसडीआई साहब, सब लोग जांच करते हैं, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उनको दंडित करते हैं, ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, हमारा प्रक्रिया से विरोध नहीं है, हमारा कहना है बिल्कुल ऑनलाइन कर दीजिए, हम लोग भी जो ये बातें बार बार आ रही है कि अध्यापक पढ़ाता नहीं, बिल्कुल पढ़ाए, ऑनलाइन अटेंडेंस कर दीजिए, हमारी जो दो दिक्कतें हैं हमें पहुंचने में विद्यालय समस्या आ रही, अब 22 जिले बार प्रोवाइडर बताइए क्या कहना चाहेंगे उस पर, आपसे इतना ही प्रश्न है, हम विद्यालय पहुंच गए और अटेंडेंस हमने लगा दिया, घर से पीटिया का फोन आ गया कि पापा तबियत खराब है आपको आना है, उस स्थिति में क्या करेंगे, आपके पास कोई व्यवस्था है, हाफ सेल की कोई व्यवस्था रखी है सर, बताइए आप, मुझे नहीं लगता है कि घर पे अलग अलग शिफ्ट में वो काम करते हैं और जाते हैं, अभिनव जी, अभिनव जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इतना असंवेदनशील होगा कि अगर किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो उसको घर नहीं जाने देगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतना असंवेदनशील होता होगा, ये कैसे जानेगा कोई भाई साहब, ये कैसे जानेगा, कैसे जानेगा, ऑनलाइन अटेंडेंस है आपका, बीच में कोई प्रोसेस नहीं है, किसको हम बताएं, किसको अपनी बात कहें, ऑनलाइन अटेंडेंस ही कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन लेगा नहीं, आप लौटेंगे तो आपको आकस्मिक अवकाश कर दिया जाएगा, पूरे दिन आपने पढ़ाया, अगर आप 20-25 मिनट के लिए गायब हो गए अनिल जी तो आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, हमारी इतनी ही मांग है, हम विद्यालय पहुंच गए, ऐसी कोई दिक्कत आती है, महीने भर में 1-2 दिन की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम पूरे साल में सिर्फ 15 ही हाफ सीएल माने, यानी कि 12 के हिसाब से अगर माना जाए तो 1 CL के आसपास, 1 हाफ CL, 1.5 CL के आसपास आती, कभी कभार जरूरत पड़ती है भाई साहब, तो ये हमारे ऊपर जो आरोप लगता है, इस तरह का आंदोलन आंदोलन देखिए जो इसके इस बार कर रहे हैं,
आपने जो एक आंदोलन की बात कही, आंदोलन नहीं है, इसमें पूरी तरह से बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, शिक्षण कार्य किया जा रहा है, सिर्फ अपनी मांग को रखा जा रहा है, हमारी बात माने, हमारा निवेदन किया जा रहा है योगी जी से, जो बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अधिकारी पता नहीं बात पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अटेंडेंस लागू हुई थी अनिल जी, तो केवल 15 मिनट के लिए हम लोग को समय दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने ट्विटर पे अभियान छेड़ा, 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने, 6 लाख में से 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने ट्वीट किया, उसके बाद तब योगी जी तक बात गई और आधे घंटे के लिए हमारा समय बढ़ा, बिल्कुल हमारी जीत हुई है, और ये आधे घंटे में हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम विद्यालय पहुंचेंगे उस आधे घंटे में लगा सकते हैं, सर्वर की दिक्कत है, कोई भी चीज लागू होती है तो धीरे धीरे सही हो जाती है, उसमें सही हो जाएगा, हमें कोई संदेह नहीं, लेकिन 22 जिले जहां बाढ़ प्रभावित वहां नाव से विद्यालय जा रहा है, कहीं कोई समस्या कैसे पहुंचेगा बताइए, अब नाव से पहुंच भी जाए तो अटेंडेंस लगाएगा नहीं, उसमें इसमें कोई राजनीति या राजनीतिक पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, कोई विद्यालय अगर बाढ़ में डूबा है तो जाहिर बात है कि उसकी जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए को भी होगी, तो वो इतने तानाशाह नहीं होंगे कि जबरन कहेंगे कि आप तैरते हुए जाओ, उनको ही पता होगा, तो जाहिर बात है कि उस विद्यालय के स्टाफ को वो छूट भी देते होंगे, ये बात तो हम मानते ना कि बीएसए से तो छुपा नहीं होगा कि कोई स्कूल अगर बाढ़ में डूबा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग का ये मांग भी है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती जैसे कि बाढ़ आ गई, जैसे कि विद्यालय आपके जिले में खेलकूद रैली हो गई, इन सब समस्याओं पे बीएसए साहब को एसडीआई साहब को अटेंडेंस लगाने के लिए विकल्प दिया जाए, हमारी ये मांग है, लेकिन जब ऑनलाइन अभी तो ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं, ना ही कहीं कोई बात है, उसमें 22 जिले जब बाढ़ प्रभावित है क्या हड़बड़ी थी आपको लागू करने की, आप 22 जिले जब बाढ़ प्रभावित खत्म हो जाते, बरसात खत्म हो जाती तब लागू कर देते आप उसको, आप एक बार पायलट प्रोजेक्ट पे नगर क्षेत्र में लगा देते, नगर क्षेत्र सारे सिटी कनेक्टेड है, बेल रोड है, कहीं जल भराव की कहीं कोई स्थिति नहीं, कहीं भी होगी तो थोड़ा बहुत मेहनत कर सकता था, क्या थोड़ी देर के लिए वेट नहीं किया जा सकता, क्या अध्यापकों से बात नहीं की जा सकती थी, ये समस्याएं अगर सुन ली होते तो हमारी बात मानी जाती, और कहीं कोई बवाल कहीं कोई झंझट, आप जो कह रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कहीं शिक्षकों के द्वारा बच्चों का हित प्रभावी नहीं हो रहा है, बच्चे आते हैं बढ़िया टनाटन व्यवस्था है, अध्यापक पढ़ा रहे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और प्राइवेट में ये जो पुलिस और अस्पताल और ड्राइवर रेलवे की आलोक भाई साहब ने बात किया, बिल्कुल ठीक बात है, इनका शिफ्ट चेंज होता है, और अगर रेलवे का जो लोको पायलट है या जो साथी है जो चला रहा है और व्यवस्था पीछे जो गार्ड है उसके अगर थोड़ा सा भी 2 घंटा भी लेट होता है ना सर, तो उनको एवरेज के लिए उस हिसाब से उनको मेंटेनेंस के लिए पैसा भी जाता है और उसके उनके लिए अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं या प्राइवेट कंपनियों की बात करते हैं तो हमारे घर में ही हमारे एमएनसी के हमारे भाई और बहन है, उनके लिए गाड़ी आती है पिक करती है और मुस्कुराते हुए जाते हैं, उनको पंचर संतर का गड़म बगड़म का डर नहीं क्योंकि मेट्रो सिटीज में है, हमारा विद्यालय मेट्रो सिटी में नहीं है, हम वहां पहुंचते हैं और रामू काका मुस्कुरा के चाय के लिए पूछते हैं कि चाय लोगे बेटा कि कॉफी लोगे, यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ किसी तरह पगडंडी वाले रास्ते में अनिल जी पहुंच भी जाए हम तो हमें शक की निगाह से देखा जाता है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, इसमें बिल्कुल ठीक बात है, कोई कोई पकड़ जाता है, जैसे अभी एक अध्यापक पकड़ गया, ठीक है एक अध्यापक गेंद खेलते हुए पकड़ा गया, बुक्का पकड़ा गया, जांच का विषय है, इसमें अध्यापक दोषी नहीं है क्योंकि वो रात में 12 बजे खेल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को आप लोग करते हैं और समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। देखिए ये विद्यालय हमारा, ये हमारे अयोध्या का कटरा का विद्यालय है, इसमें योगी जी खुद आए थे और इसमें लिखा है कि 15 मिनट तक ये विद्यालय है, उन्होंने बच्चों से किताब पढ़वाई और बच्चों के विद्यालय का बच्चों का शैक्षिक स्तर देखा और खुश हुए, प्रधानाचार्य की तारीफ की, ऐसे एक नहीं हमारे पास तमाम विद्यालय है जहाँ पे बेसिक विद्यालयों में भी नो एडमिशन का बोर्ड लगता है, एडमिशन खत्म कर दिया जाए उसके आगे एडमिशन नहीं लगता। बिल्कुल मैंने आपकी बात से अपने जो सहमति एक बात का जवाब है, ये भारत काशी की तस्वीर है जिसमें हार्वर्ड से छात्राएं आई हैं, काशी के बेसिक विद्यालय में गई हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसको बात करेंगे, ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, और ये गौरव का छात्र है, देखिए ये बेसिक की छात्रा है, राष्ट्रीय फलक पर इसने अपना नाम कमाया, देखिए ये सोनी छात्रा है राष्ट्रीय फलक पर, इसको राजनाथ सिंह जी ने माननीय रक्षामंत्री जी ने सम्मानित किया था। बेसिक शिक्षकों की बात करते हैं आप, कितने कम समय में कितने अल्प संसाधन में वो बेचारा पढ़ा रहा है, वो अपनी बात कर रहा है। आप रोकना चाहूंगा, मैं ये मनोरमा जी हम लोग के साथ जुड़ी हुई महिला मोर्चा शिक्षकों की अध्यक्ष हैं अयोध्या की, आप बता रहे थे तो मनोरमा जी परेशानी क्या है आप लोग को, ये तो सरकार का जो नया आदेश आया है अटेंडेंस वाला, इसमें क्या परेशानी आ रही है आप लोग को, क्या आप लोग क्या पहले स्कूल जाते रहते क्या टाइम पे, इसमें ऑनलाइन हो गया क्या परेशान हो गया? नमस्कार। हम लोगों को सर कोई परेशानी नहीं है, हम लोग हमेशा टाइम से रहे हैं और हमेशा टाइम से रहेंगे, परेशानी केवल ये है कि कभी कभार की परेशानी है जो कि महिलाएं हैं दूर दराज से जाती हैं, अगर हम महिलाएं हैं अगर घर से निकल रहे हैं अचानक हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो हम पहले स्कूल न जाके हम पहले बच्चे को देखेंगे ना कि हम स्कूल जाएंगे, या हम स्कूल पहुंचे हैं
अचानक घर से खबर जाती है कि आपका बच्चा बीमार हो गया, तो हम किस आधार पे हम घर लौट के आए, क्या किसको बता के आए, और उसके बाद हम स्कूल दोबारा जा नहीं जाएंगे सकेंगे तो सेकेंड टाइम के अटेंडेंस कैसे देंगे सर? और सामने आपको क्या आपको अटेंडेंस के बाद क्या ऑनलाइन जीपीएस लोकेशन ऑन रखना पड़ता है क्या? जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन जीपीएस लोकेशन आपको ऑन करना पड़ता है कि आप स्कूल परिसर में ही है, यही है क्या इसमें? बिल्कुल, लोकेशन हमारी लोकेशन रहेगी, लोकेशन ऑन रहेगी, जी जी बिल्कुल रहेगी ऑन। नहीं तो साल में कितने दिन बच्चों की तबियत, एक साल में कितने दिन तबियत खराब होगी आपका? कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, बीएसए होगा, उसको आप मेल कर सकती है, व्हाट्सएप कर सकती है इन परिस्थितियों में। आजकल तो व्हाट्सएप को भी माना जाता है, व्हाट्सएप कर दिया कि हमारे यहाँ फोन आया था, हम जा रहे हैं। सर अभी ऐसी कोई योजना बनी नहीं ना, इसलिए अगर ऐसी कोई योजना बन जाए, जो मांग हम लोग कर रहे हैं कि हमको हाफ सीएल मिल जाए, हाफ सीएल का मतलब है अगर हम स्कूल से आते हैं तो हम हाफ सीएल लेकर के निकल सकते हैं, या इनके समय जाने आलोक जी मैं बताता हूँ कि टीचरों में ये जितने टीचरों को मैं जानता हूँ उसमें से आधे आधे से ज्यादा जीवन भर यही संघर्ष करते रहते हैं कि किसी तरह से जिले में ट्रांसफर हो जाए, जिले में हो जाता है तो गाँव में हो जाए, ब्लॉक में हो जाए, पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत जाता है। पहले गुरु शिष्य की बड़ी परंपरा थी, लोग सम्मान करते थे गुरु शिष्य परंपरा का। अच्छा ये बताइए मनोरमा जी ये जवाब दीजिए कि जिस तरह से आम आदमी जो है पुलिस विभाग से डरता है या नफरत करता है, उसी तरह से आज शिक्षकों के अगेंस्ट में पूरा समाज क्यों खड़ा, उनको क्यों लगता है, क्यों कोई व्यक्ति जो है जो सिर्फ टीचर ही आपस में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं? जनता से राय लीजिए तो एक राय से कहते हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं है और फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा है आम लोगों में टीचरों को लेकर? ये तो सोच गलत है, गलत सोच है, करोड़ों लोगों की सोच गलत है और खाली टीचरों की सोच अपने आप खाली ठीक है। ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं जो कार्य नहीं करना चाहता है, हर अध्यापक पढ़ा रहा है, हर अध्यापक अपनी शिक्षा पूरी कर रहा है, पूरी तरह से शिक्षा देना चाह रहा है। हम लोग जाते हैं घर घर से बच्चों को बुला के लाते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ऐसी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चा नहीं आ रहा, हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आते, इस समय धान की रोपाई चल रही है, बच्चे घरों में बैठ जाते हैं। आलोक जी मैं यही कहूंगा कि देखिए टीचरों से मुझे सहानुभूति है, इनके पक्ष में अगर मेरी सहानुभूति की राय है तो सिर्फ यही है कि इनसे शैक्षणिक कार्य के अलावा दुनिया भर के तमाम कार्य लिए जाते हैं, वो सबसे गलत है, वो नहीं होने चाहिए। जब 72 काम आप कराएंगे तो पढ़ाने में फिर मन नहीं लगेगा, जब आदमी हर तरह से डिस्टर्ब रहेगा तो पढ़ाई वो क्या करेगा, ठीक है? तो वो शैक्षणिक कार्य के अलावा इनसे दूसरा कोई काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन हकीकत ये भी है कि सरकारी नौकरी के बारे में हम लोगों की क्या धारणा है, लोग कैसे सरकारी नौकरी करते हैं, एक बार जब मिल जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, गाँव में आप चले जाएं, जो गांव में रहते हैं ठंडी में मूंगफली छिलेंगे, आग तापेंगे, और हकीकत ये कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन गलती दोनों तरफ से है, सरकार प्रॉपर सुविधा नहीं दे रही, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, इनसे दूसरे गैर जरूरी काम कराती है, हर काम में इनको लगा देती है। अभी हम ही आपसे कोई दूसरे तमाम कार्य कराएगा तो हमारा जो मेन काम है हमारा उसमें मन नहीं लगेगा और ना हम उसको कर पाएंगे, दिमाग आउट हो जाता है मेन काम से। तो इनसे अतिरिक्त काम दूसरे काम नहीं लेने चाहिए, लेकिन यह है कि मास्टर साहब लोगों की भी चूड़ी जो है टाइट करना बहुत जरूरी है, दूसरी बात यह है। नहीं, मुझे जो एक चीज समझ में आई मनोरमा जी कि आप लोग को परेशानी इसमें है कि डिजिटल अटेंडेंस के साथ आपको जब तक स्कूल में रहना तब तक लोकेशन आपकी उस आवर का, अगर आपका स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक है तो आपकी लोकेशन स्कूल परिसर में होगी, होनी चाहिए। शायद इससे आप लोग को सबसे ज्यादा ऐतराज हो गया है कि अटेंडेंस को अटेंडेंस, लोकेशन भी आपकी 5 घंटे तक स्कूल परिसर में होने चाहिए, इसीलिए। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल छोड़ के चले जाएं क्या दिक्कत है, मोबाइल स्कूल में छोड़ के चले, मोबाइल लेके भी चले जाएंगे, अटेंडेंस तो 2 बार लगनी ना, अगर इस तरह से शिक्षक को करना होगा तो फिर वो आएगा सुबह अटेंडेंस लगाएगा और शाम को चला जाएगा। आप ये देखिए बेसिक शिक्षकों की तस्वीरें हैं हमारे पास, जिसमें योगी जी ने और बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट ने खुद कहा है कि अध्यापक अच्छा काम कर रहे हैं। अनिल जी कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है, बेसिक लगातार बढ़ रहा है, और ये देखिए 2000 विगत 5 वर्षों से बेसिक के कर्मचारियों अध्यापकों की मेहनत ने बेसिक शिक्षा परिषद को विश्वास का प्रतीक बनाया, देखिए योगी जी ने खुद कहा है। बस थोड़ा सा संवाद की कमी है, जो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप हमें बांधना चाहते हैं तो क्या अध्यापक बन सकता है? अध्यापक को बांध के नौकरी कराएंगे आप? अध्यापक आएगा सुबह अटेंडेंस लगाएगा, नहीं चला जाएगा जिसको नहीं पढ़ाना है, लेकिन नहीं पढ़ाने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं आपके पास, अधिकारी हैं, एआरपी साहब हैं, एसडीआई साहब हैं, बीएसए साहब हैं, एडी साहब हैं, जेडी साहब हैं, डीएम साहब हैं, तमाम लोग हैं,
जो ना जाए पढ़ाने उसको बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए, तनख्वाह ले रहा है उसको पढ़ाना चाहिए, शिक्षकों के भविष्य खिलवाड़ नहीं। लेकिन जो जेन्युइन दिक्कत है हमारी, दो मांग यही है कि 15 हाफ सीएल दे दीजिए और हमारी 31 सीएल दे दीजिए, तो हमें ऑनलाइन अटेंडेंस ले लीजिए। आप बिल्कुल, आपने तो एक प्रश्न ही खड़ा कर दिया था, लेकिन आप समझिए कि जो आपने एक बात कही थी लखनऊ से गोंडा जाने वाली, कुछ हमारी महिला शिक्षक साथी हैं जो, और जो हमारे पुरुष साथी हमारे गुरु जी हैं, आपको लाइव उदाहरण बताते हैं। उनका घर देवरिया है सर, और लखनऊ लखीमपुर में उनकी पोस्टिंग है, वो लखीमपुर में रहते हैं क्योंकि जा नहीं सकते। कुछ गाजियाबाद के लोग हमारे सिद्धार्थनगर में रहते हैं। 8 जनपद ऐसे आकांक्षी जनपद है जहां पे 10-10 साल हो गया सर ट्रांसफर नहीं हुआ, वही पड़े हैं। आप समझिए कि हमारे पास सिर्फ 14 सीएल है और होली की भी 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी होती है। गाजियाबाद रहने वाला या सिद्धार्थनगर रहने वाला अगर गाजियाबाद जाता है तो 2 दिन तो उसका आने जाने चला जाएगा, उसका होली कैसे मनाएगा, वो अपनी दीपावली कैसे मनाएगा, इस पे विचार करने की जरूरत है। पूर्ण रूप से जो है अंतर जनपदीय स्थानांतर प्रतिबंधित कर दिया गया है, और जो हमारा प्रधानाध्यापक का पद है सर उसको खत्म कर दिया गया है। कोई भी संस्था, अनिल जी चाहे आपकी संस्था हो, आलोक जी चाहे आपकी संस्था हो, भाई साहब अगर 10 लोग भी हैं तो संस्था प्रमुख होता है, उसका उसको व्यवस्था मिलती है। लेकिन हमारे प्रधानाध्यापकों को अभी आप समझिए कि विद्यालय में सफाई नहीं है तो दंडित कौन होगा? प्रधानाध्यापक। एमडीएम नहीं बना, दंडित कौन होगा? प्रधानाध्यापक। सर्वे नहीं किया, दंडित कौन होगा? प्रधानाध्यापक। आपका समझिए चुनाव नहीं कराया तो दंडित कौन होगा? प्रधानाध्यापक। हम लोगों ने चुनाव कराए और कोविड जैसे महामारी में भी देश के साथ शिक्षक खड़ा रहा है, उसने कोई आवाज नहीं की ना कोई बुलंद किया, अपनी जान की आहुति देकर लोगों की रक्षा की है। कभी क्या शिकायत किया उसने, कभी क्या आंदोलन किया? नहीं, देश के साथ शिक्षक खड़ा रहा पूरी मजबूती के साथ। ऐसी कोई आपदा आती है हमें लगाइए, आप हमें 100 दिन लगाइए, हम कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे पढ़ाई करवाइए, हमसे एमडीएम और जो तमाम देश के हेनतेन लालटेन का काम है उसको खत्म कर दीजिए। सादा सर्वे, आप समझिए, आप जो बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, हर क्लास में एक एक शिक्षक होता है, हर सब्जेक्ट के लिए व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ क्या है, 2 मास्टर साहब हैं, 2 गुरुजी हैं और पूरे विद्यालय को चला रहे हैं। आपने भी ये बात स्वीकार की है और जानते हैं जो टैबलेट है, जैसे आप तो अटेंडेंस लगा दी आपने, अभी दोनों साथियों ने कहा कि हम पहुंचते हैं अटेंडेंस लगाते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जानते हैं सफाई सब अटेंडेंस में क्या दिक्कत है, वो 5 फीट पानी भरा है, टैबलेट खुलता है तो उसकी लोकेशन हिंद महासागर दिखाती है, आपको चाहिए तो वीडियो उपलब्ध करा देंगे। हमारे विद्यालय का खुद 3000 मीटर दिखा रहा था जबकि हम विद्यालय में थे, ऐसे दुर्भाग्य, तब हमने जीपीएस कैमरे से अपनी लोकेशन लिया, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम अटेंडेंस कैसे दे पाएंगे? 1248 किलोमीटर दिखाता है, अलूल जुलूल ये सब सॉफ्टवेयर है, इसमें शिक्षक क्या करेगा? अनिल जी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, आप हमसे खूब पढ़वाइए, खूब दबा के पढ़वाइए, ये सारे कामों से मुक्त कर दीजिए। और हमारी जो बहनें हैं उनका गाजियाबाद और सिद्धार्थनगर से गाजियाबाद ले आइए, जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको लखीमपुर से देवरिया ले आइए, हम रहेंगे, कोई कई समस्या नहीं। क्या आपको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए? क्या आपको व्यवस्थाएं नहीं बनानी चाहिए? अध्यापक 2 दिन की छुट्टी पाता है, बताइए लखीमपुर से देवरिया हमारे महेंद्र तिवारी जी कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? शिक्षकों ने समाज का समर्थन क्यों खो दिया है आज? शिक्षकों ने समाज का समर्थन कोई नहीं खोया है, बिल्कुल बड़ा सवाल है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं वहां पे बिल्कुल मेंटेन संख्या है, अगर कहीं ऐसी कोई दिक्कत है तो अधिकारियों को चेक करना चाहिए, वहां जो दिक्कत है सुधारना चाहिए। अध्यापकों की भी जो थोड़ी बहुत कमियां उसको दूर करनी चाहिए, उनको शिक्षक समाज से तालमेल रखना चाहिए। ये जानते क्या होता है, जैसे कमेंट कौन करता है जो विद्यालय नहीं जाता है? हमारे यहाँ जैसे कोई गार्जियन है, हमारे यहाँ तो हम मीटिंग करते हैं, ठीक है, हमारी बातें हैं, हम घर तक जाते हैं अभिभावकों की, ठीक है, लेकिन कई ऐसे अभिभावक हैं जो विद्यालय का मुंह नहीं देखना चाहते। भाई साहब आप पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं तो प्राइवेट में जाते हैं, आपकी सारी समस्याएं सुनते हैं, बच्चा कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, होमवर्क किया, यहाँ पे क्या है वो कुछ जानता नहीं और विद्यालय भी नहीं जाता, दुर्भाग्य है, वो कुछ जानता नहीं, उसके बाद कहता है कि गुरुजी पढ़ाए नहीं, हमारे बच्चों को नहीं आया, जबकि वो घर पे 1/2 घंटे 15 मिनट समय नहीं देता है, 6 घंटे 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे उसके पास बच्चा रहता है, अब 6 घंटे में कितनी सुविधा दे पाएंगे? और ऐसे ही बच्चों को जिनका आईक्यू लेवल तो ठीक है लेकिन उनकी व्यवस्थाएं बहुत कमजोर हैं, हमने फिर भी अच्छा काम किया है और बेसिक शिक्षा परिषद लगातार आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई बट की बात नहीं है, बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे इस मुहिम को लेकर कई सारे विधायकों ने पत्र लिखे हैं जिसमें भाजपा के भी विधायक हैं, सांसद हैं, ये देखिए बाबूलाल तिवारी जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा आपसे, मैडम भी बैठी और आप भी बैठे हुए, एक शिक्षा मित्रों का मामला है, बहुत पुराना चल रहा है, एक बात बताइए, एक ही तरह के काम के लिए एक आदमी को 10,000 रुपया महीना और दूसरे आदमी को 40,000 से 50,000 रुपया महीना, पहली बात ये मुझे बताइए ये अंतर सही है? दूसरी बात ये बताइए कि कितने टीचर हैं और कितने शिक्षा मित्र होते हैं स्कूल में? अगर आप 6,90,000 का आंकड़ा बता रहे हैं तो इसमें कितने शिक्षा मित्र और कितने शिक्षा सहायक हैं, जरा ये क्लियर करिए। 6,09,400
609,455 जो है अध्यापक हैं और 1,44,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, 25,000 के आसपास अनुदेशक साथी हैं। अब आपने एक बड़ा प्रश्न कर दिया कि उसी काम के लिए इनको इतना वेतन दिया जाता है। हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मित्र साथी 35-40 हज़ार वेतन पाते थे शिक्षकों के बराबर। दुर्भाग्य रहा, जो भी जैसे बातें उस पर कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आपने जो प्रश्न कर दिया भाई साहब, एक जो इंजीनियर होता है और जो मैकेनिक होता है दोनों काम एक ही करता है। आप गाड़ी लेके जाइए, एजेंसी पे लेके जाइए, उसको इंजीनियर बनाएगा, व्यवस्थित बनाएगा, थोड़ा पैसा ज्यादा लेगा, और वही मैकेनिक काम कर देगा 20-30-25 रुपए में जुगाड़ करके आपकी वैसे ही व्यवस्था बना देगा। क्या आप बात करते हैं, योग्यता अलग अलग लोगों की है तो योग्यता अलग है तो वेतन मिलेगा। हम किसी साथी पे कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप कह दीजिए कि डीएम और जो है इनका व्यवस्था एक ही जैसी है तो इनको बराबर वेतन दे दिया जाए। सबकी अलग अलग कार्य क्षमता है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं, सबकी अलग अलग काम है। अब प्रवक्ता का अलग काम है और एलटी ग्रेड का अलग काम है, दोनों पढ़ाते हैं उसी क्लास में है, लेकिन सब व्यवस्थाएं, सब संविधान बना हुआ है, उसके हिसाब से जो नियमावली है उसके हिसाब से सब काम करते हैं। और बिल्कुल अगर योग्यता रखता है तो उसको वेतन मिल रहा है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं। अब हम कहते हैं कि हम डीएम साहब ने किताब पढ़ ली तो उनको अच्छा वेतन मिल गया, हमें डीएम साहब की जगह बिठा दीजिए शिक्षकों को तो निपटा लेंगे, काम निपटा लेंगे, तो क्या उनको वेतन मिल जाएगा? हमने कोविड में काम किया, फ्री में काम किया है, कहीं कुछ अपेक्षा नहीं की, लेकिन जिसकी जो योग्यता है उसको मिलेगा। शिक्षा मित्रों के साथ गलत हो रहा है, उनका जो उनकी जो समस्या है सरकार को सुननी चाहिए, थोड़ा सा उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। उनको अनुभव है 10-12 साल पढ़ाने का। एक समय था जब शिक्षा मित्र ही विद्यालय खोलता था, जो भर्तियां नहीं होती थी, उसके बाद तमाम भर्तियां आई, और आज जो बात है शिक्षा मित्रों का दर्द समझना होगा, वो 10,000 रुपए में कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कहाँ अपने कैसे किससे बात कहे। योगी जी तक बात जानी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री तक बात जानी चाहिए। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, देखिए निश्चित ही इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वन साइडेड अफेयर है, गलती दोनों तरफ से है कि बेसिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना बदहाल है कि कोई पढ़ाने का मतलब नहीं। सीधी सी बात है, पहली बात तो इनसे जो एक्स्ट्रा काम लिया जाता है कि जनसंख्या की गिनती भी करानी है और मतदाता रजिस्टर भी सही कराना है, पोलियो वोलियो भी ड्यूटी लगा देनी है। भाई साहब अभी कांवड़ा जो कांवरिया उसमें ड्यूटी लग गई मुजफ्फरनगर में, अब बताइए अध्यापक कांवरियों की ड्यूटी में जाकर तो पढ़ाएगा कब? अगर बिल्कुल जो आदमी इतना डिस्टर्ब जो है इतना अध्यापक क्या करेगा, क्या ड्यूटी लगी जरा बताइए मुझे। उसकी ड्यूटी लगी है जो यात्री आ रहे हैं, जो दर्शालु आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था बनाना, जो कहीं कोई दिक्कत आती है उसमें मेंटेन करने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई। अगर अध्यापक ना होता ना तो पोलियो जो आप पोलियो पिलवाया गया हम लोगों से 10% 20% पोलियो ज्यादा होता। एक मिनट, वो क्या पढ़ाई स्कूल बंद रहेगा उस दौरान वो जाके कांवड़ियों की आवाभगत करेगा? नहीं, बंद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ अध्यापकों को अब उनका सिस्टम है कि उनके हिसाब से रेशियो ने तय किया कि इतने अध्यापक विद्यालय रहे, इतने अध्यापक कांवड़ियों में जाए। बताइए कांवड़िया में भेज देंगे और तमाम जो 27 काम और हैं हमसे कराएंगे तो कैसे हम शिक्षा पढ़ा पाएंगे? फिर अनिल जी आरोप लगाएंगे शिक्षक पढ़ाते नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है। अनुभव जी, आप लोग अटेंडेंस का विरोध करते तो आप लोग इस तरह के फरमान के विरोध में एकजुट क्यों नहीं होते कि हम नहीं जाएंगे कांवड़ियों की सेवा में? देखिए बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखिए कांवड़ियों की सेवा एक जिले में लगती है और एक ब्लॉक में 10-20-50 अध्यापक, 60 अध्यापक, 100 अध्यापक को लगाया जाता है। यहाँ पूरी तरह 609,455 अध्यापक और उनका परिवार प्रभावित है। हम विरोध नहीं कर रहे, फिर कह रहे हैं योगी जी ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल अटेंडेंस होनी चाहिए, जो समाज में भ्रांतियां दूर हो, लेकिन जो हमारी मांगे हम विद्यालय पहुंचेंगे भाई साहब तब तो लगाएंगे, पहुंच गए तो नेटवर्क, हम कह रहे नेटवर्क ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अभी बारिश का मौसम वहां पे समस्याएं रहेंगी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू इसके लिए विकल्प होना चाहिए। बाढ़ आ गई, खेलकूद रैली हो गई, कोई और प्रयोजन हो गया, अभी हम विद्यालय में हैं, हमारे विद्यालय के किसी साथी को कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे पास हाफ अटेंडेंस नहीं, उसका इलाज कैसे करा पाएंगे? बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जाते रहे विद्यालय से, हम 5-6 अध्यापक जा रहे हो घर से विद्यालय 10 ही किलोमीटर में, अनिल जी जाएंगे हम 50 किलोमीटर उसी जिले में जा रहे हो, अगर किसी साथी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हम रुक के देखेंगे कि उसको बचाएं कि अपनी जाए अटेंडेंस लगवाएं? क्या ऐसी दिक्कत है? थोड़ी सी सरकार बात मान ली, ये विषम परिस्थिति की बात हम कर रहे हैं फिर से, इसीलिए हम सिर्फ 365 दिन में 15 हाफ सीएल की बात करते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 15 हाफ सीएल दे दीजिए और 31 सीएल दे दीजिए। जो अभी जो ये हमने बताया कि अंत्येष्टि और शादी ये सब तमाम तरह के जो व्यवधान है, ये गर्मी देख के नहीं आएंगे, ठंडी देख के नहीं आएंगे, उस समय गर्मी में हमसे काम ले लीजिए आप, ठंडी पे हमसे काम लीजिए, हम काम से पीछे नहीं है। बेसिक शिक्षा का साथी काम से पीछे नहीं है, बस जो जब जब उसको जरूरत पड़े तब उसको छुट्टी दे दीजिए। अभी आपको कहा जाए कि आप न्यूज चैनल आप कवर करते हैं उसके बाद आपको 10 दिन की छुट्टी दे जाए, बेवजह, तो क्या करेंगे 10 दिन में? लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसी 10 दिन की छुट्टी का यूटिलाइजेशन होता है और बेसिक का शिक्षक पूरे मन से पढ़ाएगा।
किसी पे कोई आरोप नहीं लगाएगा और हमारी स्थिति जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है समाज में जो फैली वो भी सुधरेगी। अध्यापक रोज जा रहा है, अध्यापक बात कर रहा है, अध्यापक का अध्यापकों की व्यवस्था के लिए तमाम अधिकारी बनाए गए, वो जांच करते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं, जो गलत होता है उसको दंडित भी करते हैं। लेकिन इस तरह पूरे शिक्षकों के साथ 6,09,455 शिक्षकों और उनके परिवारों के साथ एक बार संवेदना से सुनना चाहिए कि दिक्कत कहाँ है और क्या बातें। सिर्फ दो ही तीन मांगे हैं, अगर गाजियाबाद वाला सिद्धार्थनगर वाला गाजियाबाद चला जाए अपने जनपद में कितनी खुशी की बात होगी। वो जाएगा उसको दंडित करिए, अगर नहीं जाता है तो उसके लिए हाफ सील की व्यवस्था हो जाए कितना सुखमय रहेगा, उसके लिए अगर ईएल की व्यवस्था हो जाए अनिल जी तो सब दिक्कत हो जाएगी। अध्यापक काम चोर नहीं है, अध्यापकों ने राष्ट्र हित में हरदम काम किया है, कोविड इसका सबसे तगड़ा उदाहरण है। आप देखिए प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए, प्राइवेट कॉलेज बंद हो गए, लेकिन सरकारी काम बंद नहीं हुआ, सरकारी काम सरकारी शिक्षक सबसे आगे रहा क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। आलोक जी ने पहले मुद्दा यही शुरू किया था, बवाल इससे बचाए क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में है सर तो सबसे ज्यादा सेवा भी करते हैं। कोविड जैसे महामारी में 30 दिन तो हमने ही काम किया है, हम जब घर गए तो हमें अलग से बर्तन दिया गया, भोजन दिया गया, फिर भी हमने काम किया और हमें बहुत सुकून मिला, उसमें कहीं कोई इब्बत नहीं, हमें अच्छा लगा, हमें दिक्कत की कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षकों की बात सुनी जाए। नहीं अभिनव जी बताइए, जो कांवड़ वाला आपने जिक्र किया तो कांवड़ यात्रा में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, इसका कोई आदेश भी आता है कि वर्बल हो जाता है कि नहीं इतने लोगों को जाना है कांवड़? नहीं नहीं आदेश जारी है, कांवड़ वाला मुजफ्फरनगर का आदेश दीजिए, कांवड़ के लिए मुजफ्फरनगर का बकायदे आदेश आया है सर हमारे पास, वो पेपर हम गलती से भूल गए लेना, क्योंकि हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको लेटर भेज भी देंगे, आप उसको चला दीजिए। कांवड़ यात्रा के लिए बकायदे उसमें 50-60 कुछ अध्यापकों की सूची है, उसमें हमने सही निगाह से देखा है और चूंकि इसमें इतना बवाल चल रहा है, इतने लेटर आ रहे हैं तो उसमें कांवड़ यात्रा के लिए बात है। अच्छा जानते हैं ये जो ट्रांसफर और प्रमोशन की प्रक्रिया है ये एक बार में नहीं होती है, लेटर जारी होता है उस परिषद की तरफ से, उस कार्यालय की तरफ से, और उसके बाद 50 बार लेटर जारी होता है, फिर भी अभी प्रमोशन 10 साल हो गया नहीं हुआ, सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जानते हैं सर आलोक जी और अनिल जी भाई साहब, जो हमें चेक करने आ रहा है उसकी भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं, मजे की बात तो ये है वो आता है चाहे जब चला आता है, हमें चेक कर लेता है और चला जाता है। और सबसे दुर्भाग्य है कि हमसे लोअर गेट वाला हमें चेक करता है, अगर डीएम को चपरासी अध्यापक ही चेक करे तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगेगा आप बताइए, क्या सरकार को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें सेक्रेटरी चेक कर रहा है, हमें लेखपाल चेक कर रहा है, वो कहता है मास्टर साहब आप अनुपस्थित है, अगर जिसको तो पता है कि अपना अपना क्या अधिकार है वो तो बात करता है, लेकिन कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं, इसको भी सरकार को सोचना चाहिए कि 4200 या जो भी ग्रेड पे हायर लेवल तक का है उनसे 2800 वाला तो ना चेक कर ले भाई साहब। अनिल जी इसमें कोई राजनीतिक मंशा का विषय नहीं है, ये बहुत ही बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आपने ट्वीट किए बिल्कुल सही बात है, समाज में दिक्कतें हैं लेकिन अध्यापक बहुत बेहतर कर रहा है। एक अध्यापक अगर गलत होता है भाई साहब, आलोक जी भाई साहब, तो पूरा समाज उसको लग जाता है घुमाने में, लेकिन अगर एक अध्यापक सम्मानित होता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि तब कह दिया जाता है उसको बहुता वेतन मिलता है, जबकि उसी अध्यापक की वजह से आईएएस बनते हैं, उसी अध्यापक की वजह से हमारे पास, हम 5 साल पहले जब जहां दूसरे ब्लॉक में थे हमारे पास 5 साल बाद एक मैसेज आया और हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा डांसर बना, उसने वीडियो भेजा, हमें उसको पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि उसकी एज तब बहुत कम थी, हम कितना खुशी मिलती है, फिर भी आरोप लगाया जाता है। बेसिक शिक्षा कितने कम संसाधन में कितना बेहतरीन काम कर रहा है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं, कहीं कोई आंदोलन नहीं करता कभी, आप प्रमोशन नहीं किए क्या आंदोलन किया किसी ने, आपने कहीं कोई सुविधा नहीं दी क्या किसी ने आंदोलन किया, आपने कोविड में ड्यूटी लगा दी, कांवड़िया में ड्यूटी लगा दी, बीएलओ में ड्यूटी लगा दी, एमडीएम के लिए ड्यूटी लगा दी, आपने सर्वे के लिए ड्यूटी लगा दी, चुनाव में ड्यूटी लगा दी, क्या किसी ने विरोध किया? नहीं, सबने कहा कि ये देश की बातें हैं, खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज की दिक्कत ये है सर, ये एक दिन की दिक्कत नहीं अनिल जी, ये रोज की दिक्कत है। अभी आप निकलते हैं, अभी आप समझिए अधिकारी बारिश में आएगा, बस एक लाइन में हम अपनी बात कंक्लूड कर देंगे। एक मचुकी समय अब करीबन 43 मिनट करीब हो गया है जी, आप काफी देर से सुन रही है, ये जो आदेश आया मुजफ्फरनगर वाला बड़ा चौंकाने वाला है कि शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी कांवड़ यात्रा में, कांवड़ यात्रियों के मतलब देखभाल के लिए, ये आप उचित मानती है? इस तरह का उपयोग होना चाहिए शिक्षकों का कि नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह से शिक्षकों की ड्यूटी इस तरह से बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम कांवड़ यात्रा के लिए, हम केवल शिक्षा देने के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, ये नहीं कि हर जगह हम लोगों जैसे कि एक सब्जी का आलू समझ लिया कि हर सब्जी के साथ उसको लगा दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को केवल शिक्षा संबंधी काम लिए जाए और बाहरी जितने भी काम है वो ना लिए जाए,
और जहां तक ये अटेंडेंस की बात है, अटेंडेंस के लिए हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे, केवल अटेंडेंस के लिए हम लोग 31 ईएल और 15 हाफ सीएल चाहते हैं कि सरकार से हमारी ये है। ये आलोक जी आपका ध्यान आकर्ष करेंगे। ये देखिए मोबाइल हमारे पास आ गई और इसमें देखिए आप कैमरे में, ये देखिए नीचे मुजफ्फरनगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष कुमार शर्मा जी हैं, ये देखिए नीचे साइन है, आपको इसको भेज भी देंगे। और इसमें जो ड्यूटी लगा दी गई है उसके बाद तमाम तरह की जो समस्याएं हैं ये जान रहे हैं, ये जो दिक्कत आ रही है इससे शिक्षक संकुल और एआरपी अपना इस्तीफा दे दे रहे हैं। एटा में, बरेली में, मैनपुरी में, बाराबंकी में, गोंडा में, अमेठी में, सुल्तानपुर में, फतेहपुर में, उन्नाव में, महोबा में शिक्षक संकुल जो एआरपी होते हैं, शिक्षक संकुल होते हैं, नोडल शिक्षक होते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कितने लोग का आप विरोध करेंगे? जो समस्या आप सुनेंगे नहीं, तानाशाही अगर करेंगे तो नहीं चल पाएगी। शिक्षकों की बात सुननी चाहिए और बात बिल्कुल होनी चाहिए, कहीं इसमें शिक्षक का भी हित रहे, शिक्षक का भी सम्मान रहे और जो अटेंडेंस की बात है उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाल दिया जाए। गांव की तरफ से एक हम लाइन पढ़ना चाहते हैं, जो आपने अभी अपने मीडिया की और मेट्रो सिटीज की, लखनऊ दिल्ली की जो बातें आती हैं, हम एक लाइन बहुत बेहतरीन है जमुना उपाध्याय जी की, हमारी एक शिक्षिका है, उन्होंने पोस्ट किया था, हम आपको बताते हैं। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर रहते चार दिन गांव, ये सारी लंतरानी भूल जाते। जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो कहते हैं कि वो टकाटक सड़कें हैं और दिल्ली में पढ़ा रहा है, लखनऊ मेट्रो सिटी में पढ़ा रहा है, तो गांव में पहुंच जाएगा। गांव में सर सड़कें नहीं है, गांव में पगडंडी का रास्ता है, वहां पैदल जाना पड़ता है। आपको तमाम वीडियो चाहिए तो हम उपलब्ध करा दें। नाला पूरा बह रहा है, नदी पूरा बह रही, जो कट गया है नाले का रूप है, वहां पे अध्यापक आधी मोहड़ी मोड़ता है पैंट की, उसके बाद जाता है, कितना दुख का विषय है। उसके लिए कोई विकल्प नहीं किया गया है। अगर अध्यापक इस तरह से अपनी बात ना करते सर, तो उनका कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पहले विकल्प नहीं बनाए गए। आपने प्रोग्राम करने के पहले एक व्यवस्था बनाई कि ये प्रोग्राम होगा, इतने लोग जुड़ेंगे, ये व्यवस्थाएं क्या सरकार ने बनाई? क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए था? अगर रास्ता कट जाएगा, पेड़ गिर जाएगा, क्योंकि खड़ंजे वाले रास्ते सिर्फ एक ही दो गाड़ी जा पाते, अगर एक बस भी डिस्टर्ब हो गई सर, तो पीछे वाला अध्यापक खड़ा होकर निगाह से देखता है। और मजे की बात यह है, अभी एक वीडियो आया था हमारे पास जिसमें वीआईपी कुछ साथी जा रहे थे, उसके लिए भी कुछ गाड़ियां रोक दी गई थी। सुबह का समय था, सारे अध्यापक खड़े थे, 10-20 ही प्रभावित होंगे, प्रभावित तो होंगे। हम ये कहते हैं कि किसी अगर अच्छे व्यक्ति को, किसी सही व्यक्ति को अगर उसकी सजा मिल गई, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। 6,09,455 लोग प्रभावित हैं, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इनके तमाम विधायकों ने यह माना है, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, इस पर सोचना पड़ेगा। सांसदों ने पत्र लिखा है, इससे सोचना पड़ेगा। हम किसी विरोध में नहीं है, हमारी सिर्फ दो मांग, 31 ईएल और 15 हाफ सीएल दे दिया जाए। और जो महिला शिक्षिकाएं हमारी बहनें हैं जो सिद्धार्थ नगर में है, उनको गाजियाबाद भेज दिया जाए, उनको गृह जनपद भेज दिया जाए। जो हमारे राजकुमार तिवारी गुरु जी हैं, हम बार बार निवेदन करते हैं, उनको लखीमपुर से देवरिया भेजिए, अपने माता की सेवा करें, परिवार को देखें, भाभी जी को देखें, बच्चों को देखें, परिवार खुश में रहेगा। आपको बताएं 600 किलोमीटर दूरी जो भेज देते हैं और 6 किलोमीटर की दूरी पर जो विद्यालय है वहां शिक्षक विहीन है, वहां शिक्षकों की आवश्यकता है, क्यों नहीं सोचती सरकार? ये जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी खर्रा जारी करते हैं, क्या इनको सोचना नहीं चाहिए 10 साल हो गया ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो इतने लंबे समय में ट्रांसफर नहीं हो रहा है? इसके लिए सोचना पड़ेगा सर। और हम कहीं पीछे नहीं, हम फिर से कह रहे हैं आपसे, हम सरकार का सम्मान करते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बिल्कुल लीजिए, दबा के लीजिए, हम सहर स्वीकार करेंगे। हमें बस यही 2-3 मांगे जो हमारी है, इसको दूर कर दी जाए, हम उस विद्यालय में सकुशल पढ़ाएंगे। देखिए अध्यापक कर्मचारी से तो दबाव में आप काम करा सकते हैं, लेकिन अध्यापक अगर स्वस्थ मन से काम करेगा तो नई पीढ़ी का भविष्य का निर्माता होगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा और गुरु जी को सल्यूट करेगा, सलाम करेगा कि आपने हमें अच्छी शिक्षा दी है। लेकिन जब अध्यापक ही दबा रहेगा तो स्वतंत्र जीवन की बात कैसे करेगा बच्चों की? ये दिक्कत का विषय है। समय बहुत हो गया है, आपने समय दिया, मनोरमा जी ने समय दिया, अनिल भाई जुड़े रहे और लगता किसी काम से चले गए, तो उम्मीद है कि सरकार शिक्षकों की सही मांग को मानेगी और शिक्षक भी शिक्षा व्यवस्था पे ज्यादा ध्यान देंगे और जो इस तरह के काम है, जो उनसे हाई कोर्ट का आदेश है कि उनको शिक्षा के अलावा दूसरा काम ना कराया जाए, उस हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन उत्तर प्रदेश सरकार करे। दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप तो जो भी इसमें अच्छा लगता है, जो भी बात सही लगती हो, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया, शिक्षकों की बात सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक संघ, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जय हिंद।